लॉगिन करके, अब मैं जा रहा हूँ लॉगिन करके, आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, एरर दिखाता हूँ। एक्चुअली ये वेबसाइट लारावेल पे बनी है, तो जो एरर आ रही है आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब आसान एरर है, आप उसे सॉल्व कर लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो हम चलते हैं, लॉगिन करते हैं और दिखाते हैं आपको कौन सा एरर आता है। यहाँ पे हम अपना डिटेल लॉगिन लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं अनपैरेंथेसाइज्ड टर्नरी ऑपरेटर सपोर्ट आइदर, ये सब एरर आ रही है जैसा आप देख रहे हैं। तो ये एरर एक्चुअली इसलिए आ रहा है कि क्योंकि मैंने एक पेज पे टर्नरी ऑपरेटर बहुत सारा यूज किया है, तो कहीं मिस्टेक हो गया है। ये देख रहे हो गाइस, यहाँ पे मैंने सारा टर्नरी ऑपरेटर यूज करके बनाया है। तो आप टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जानते भी होंगे अगर आप लारावेल सीख रहे हैं। तो इस टर्नरी ऑपरेटर को मुझे सॉल्व करने के लिए, या तो मैं इसे टर्नरी ऑपरेटर्स में एक सेपरेट करके रिक्वेस्ट को एक पैरेंथेसिस में करके सॉल्व कर लूँ, या तो फिर मुझे एक एक इसके टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इफ एल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने चैट जीपीटी का यूज किया, जो चैट जीपीटी जो आजकल बहुत पॉपुलर है और एआई है, जिसके थ्रू आप अपना वेब डेवलपमेंट को और स्ट्रांग कर सकते हो और अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना होगा, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। पहले मैं आपको इतना कमेंट करके दिखा देता हूँ हटा के, अभी देखिए लॉगिन हो जाएगा। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम पता है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस में कर दूँ, उसको हटा के इसको पैरेंथेसिस में करके चलाऊँ, तो चल जाएगा। अभी यहाँ पे लोड करूँगा, चल जाएगा, देख रहे हो गाइस। लेकिन यहाँ पे मेरे जो ऑप्शंस आ रहे थे वो सारे हट गए हैं। तो इफ एल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले जो छोटे छोटे हैं इनको मैं कर लेता हूँ पैरेंथेसिस में, और फिर करते हैं सारे को मैं फिर करता हूँ इसको टर्नरी ऑपरेटर हटा के इफ एल्स में। ठीक है गाइस, तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा लेता हूँ, एक छोटा सा कोड, ये की को अभी मैं हटा देता हूँ ताकि मैं एक एक करके डिबग कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी उन सबको मैं कमेंट कर दिया, यहाँ नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ। और ये गाइस, अगर इस एरर में आप फंस भी रहे हो ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक आपको रिमूव करना होगा और एक एक कंडीशन को चेक करना होगा इतने सारे कोड्स में। इसको सॉल्व करने चैट जीपीटी का हेल्प ले रहा हूँ, तो मैं इतना सारा कोड मैं कर लेता हूँ कॉपी, इतना सारा, ठीक है, इतना सारा कर लेता हूँ कॉपी, और मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, एडिट करता हूँ, और इतना सारा मेरा कोड था पेस्ट करता हूँ और लिखता हूँ रिप्लेस टर्नरी ऑपरेटर्स विथ इफ एल्स कंडीशन फॉर यूजिंग डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। क्योंकि ब्लेड नहीं लिखोगे तो ये समझ नहीं पाएगा कि पी एच पी में कन्वर्ट करना है या किसमें। तो अगर पी एच पी में कर देगा तो आपको फिर उसको लारावेल में करना होगा, तो उससे अच्छा ब्लेड डॉट पी एच पी लारावेल लिख दो। यहाँ पे सबमिट करो, उसके बाद देखो अभी इसने आराम से सारा कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कर लो कॉपी, इसको कर लो कॉपी, और मैंने इतना का किया था इतना इसके जगह रख दो। इसकी जगह रख दो, फिर मुझे इतना कोड फिर करना है। अब ये क्या कर रहा है कि आपके इस कोड को उठा रहा है और इसको इफ एल्स जहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है वहाँ पे ना ये कन्वर्ट कर दे रहा है इसको इफ एल्स में, और बहुत आसान तरीके से। अब आप कहीं अगर इसको यूज ना करते तो एक एक कंडीशन आपको चेक करना होता, उसके बाद इसको सॉल्व करते, और कहीं ना कहीं फिर भी आपको प्रॉब्लम मिल जाती। लेकिन यहाँ पे आप चैट जीपीटी यूज कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही, देखो ये 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिटेबल है, और इसे आपको सीख लेना चाहिए कैसे यूज करते हैं। यूज करने में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दोगे आप सीख जाओगे। यहाँ से ये कोड सारा कॉपी कर लूँ और इसकी जगह पेस्ट कर दूँ, अभी आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगा आपको। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहाँ पे मेरा कैटेगरी आ गया व्यू, यहाँ पे व्यू करने का आ गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।